गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? राम राम सीताराम। हाँ, तो आज हम अभी चेकआउट होने वाले हैं। हम तो नहीं, मतलब कि आज का दिन पूरा चेकआउट का है। सब लोग अपने अपने घर पे वापस जा रहे हैं इधर से, ये रिसोर्ट से। हमारा प्रोग्राम जो था वो पूरा हो गया है आज। तो आज सब अपने अपने घर जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, मगर हमारी फ्लाइट लेट है, लेट रात को है। तो रात को हम जाएंगे, मगर दूसरे सभी की डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइट है इधर से, एंटेबे से। कोई इंडिया जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई अमेरिका, दुबई, कोई दुबई, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यस, एवरीवेयर, सभी जगह से आए हैं। सभी जगह से लोग आए हैं। तो आज का, अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी घर के खाया, ब्रेकफास्ट बहुत खाया, नहीं बहुत खाया खाया खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया। हाँ है वैसा ही। अभी आपको दिखाते हैं, इधर जो देखो सभी लेके खड़ा है सब लोग। ये देखो सभी खड़े हैं, रेडी होके, वेटिंग फॉर देयर टैक्सी और बस। तो सब जा रहे हैं अभी। So, all... राम तो, हाँ तो और हम जा रहे हैं हमारी टैक्सी का बुकिंग करने के लिए रिसेप्शन में, क्योंकि नाइट में हमारी फ्लाइट, तो हमारे हमको 12 बजे या 1 बजे, 1 बजे, 1 बजे निकलना है रात को। तो हमारी फ्लाइट 5 बजे है मॉर्निंग में, तो इसलिए हम जाते हैं रिसेप्शन में बुक करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। देखो ये सब लोग इधर से जाने वाले हैं, वो भी जाने वाले हैं, वो तो बाद में जाएंगे ना, तो पिक के लिए या फाइल के लिए रहना है। ओके ओके ओके, राइट, नो प्रॉब्लम। ये देखो ब्यूटी पार्लर है इधर, और मसाज अगर आपको करवाना है तो आप आ सकते हो इधर, और रिलैक्स हो सकते हो इधर। हम तो सिर्फ इधर रिलैक्स हो रहे हैं, क्योंकि बाहर बारिश आ रही है, और अब हम इधर से, हाँ, स्विमिंग करने को आए थे और फंस गए, तो फंस नहीं गए, अभी हम इधर रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स रूम में। रूम पे अभी नहीं जाने का, अभी सीधा जाते का वो लंच पे। लंच टाइम होगा अभी, है अभी 12 में 5 मिनट बाकी है, तो चलो उधर चलते हैं। वो ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट के बाद लंच आता है, तो लंच तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि स्विमिंग किया तो अभी भूख लगेगी। मीरा को भी भूख लगी है ना, मीरा लगी है ना भूख? Hey, are you hungry? No? No? Nah? Huh? Can I? Nah. Okay. Well, so friends, today our lunch is either in-house or in a restaurant. Proper. Today we got a menu. We got a menu. Whatever we choose from the menu, we will eat that. उधर वो डिफरेंट था, वो बुफे था, और इधर मेन्यू में से आपको ऑर्डर करने का, ऑर्डर करने के बाद आपको जो जो भी चाहिए वो ऑर्डर करके फिर खाने का, तो ऐसा है। तो अभी देखो मेरा का, तो मेरा का भी आ गया, हमारा का भी आ, हमारा भी आ गया, और बहुत ही आया, इतना ज़्यादा आया कि खा नहीं सकेंगे, मगर फिर भी ऐसा है। अभी बताओ दोस्तों, ये लंच का शुरू होने वाला है। देखो ये है, इतना ये है,
और ये देखो इधर भी ये इतना ज्यादा आया हमको मालूम ही नहीं था हमको मालूम ही नहीं था कि इतना ज्यादा आएगा तो देखो इतना देते हैं लोग तो ये है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो अभी बजे है रात के 12:30 और अभी हम करने जा रहे हैं युगांडा को गुड बाय मतलब के रिसोर्ट को गुड बाय पहले तो अभी आज रात को 1 बजे अभी टैक्सी बुक किया है टैक्सी आएगी टैक्सी में जाएंगे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से सीधा इस्तांबुल और इस्तांबुल से वाया इस्तांबुल गोइंग टू मैनचेस्टर यूके एयरपोर्ट एंड फ्रॉम यूके एयरपोर्ट उधर से लेंगे हमारी गाड़ी वापस पार्किंग में से और फिर पूरा सामान भरने के बाद गोइंग टू नॉर्थ वेल्स तो उधर से हम जाएंगे अपने घर तो आप बने रहिए हमारे साथ हेलो फ्रेंड्स तो हम तो इधर रिसेप्शन में आ गए चेकआउट हो गए मगर टैक्सी का 1 बजे का बोला था अभी तक आई नहीं तो अभी उसको फ़ोन किया तो बोलते हैं कि वेट करो अभी 20 मिनट तो अभी देखते हैं 20 मिनट में वो आ जाए तो या वरना इधर है दूसरी टैक्सी वाले तो उसको अरेंज कर लेंगे ऐसा कुछ है नहीं कि अभी तो है हमारे पास टाइम तो मगर 5 o'clock है ना 5:15 सो यू नो या और इधर से अभी तो ट्रैफिक नहीं होगी रात को तो हम 40 मिनट्स में पहुंच जाएंगे उधर एंटेबे एयरपोर्ट पे 2 बजे तक उधर पहुंच जाए तो अच्छा है तो तब तक हम वेट करेंगे इधर हेलो फ्रेंड्स तो अभी हम एंटेबे एयरपोर्ट पे आ गए हैं हमारा चेकिंग हो गया है बोर्डिंग पास भी मिल गया है तो अभी इधर वेट कर रहे हैं हमारी फ्लाइट 5:15 पर है अभी 3:10 हुए हैं तो हम इधर वेट कर रहे हैं और माँ बेटी मनीषा और मीरा वॉशरूम में गए हैं अभी तो वो बाद में आएगी तो मैं भी जाऊंगा तो इधर वेट करेंगे अभी ये देखो एयरपोर्ट एंटेबे एयरपोर्ट वो जब पहले अंदर आते हैं एयरपोर्ट में तो कुछ लगता ही नहीं एयरपोर्ट जैसा हमारे राजकोट का एयरपोर्ट इससे अच्छा है तो मगर अंदर ठीक है ये ड्यूटी फ्री शॉप और सब तो ऐसा है तो अभी इंतज़ार करते हैं हाँ तो देखो ये हमारे बेटे इधर बैठे हैं मीरा ने नींद कर ली है 4-5 घंटे इसलिए फ्रेश लगती है मैंने तो नहीं की तूने तो कभी तू करती ही नहीं नींद इसलिए मैं टायर्ड हो जाती है मनीषा तो एज यूजुअल तो अभी राह देख रहे हैं बैठे हैं किसी की राह देख रहे हैं प्लेन की वेटिंग तो अभी वेट कर 2 घंटे है 4:30 अभी 4:45 है तो 4:45 अभी आ जाएगा ऐसा कुछ है नहीं मगर अभी तो हम राह देख रहे हैं तो युगांडा को फाइनल से गुड बाय है ना या बट वी रियली एंजॉयड हियर बहुत ही मजा किया जलसा किया आनंद किया खाया पिया और मौज किया या डेफिनेट सभी मेयर कम्युनिटी के सभी बंदे के साथ बहुत ही मज़ा आया
तो ऐसा है, अभी हम जाएंगे इस्तांबुल। हाँ वो तो दिखा दिया कि इसका इधर का नज़ारा तो बाहर का नज़ारा देखने लायक था, बहुत 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 ही ख़राब था बाहर का नज़ारा, क्योंकि रोड में इतने गड्ढे थे तो ट्रॉली भी अब चला नहीं सकते थे आसान से, और कोई गाइड करने वाला कुछ नहीं था, नहीं कोई साइन थी कि कहाँ जाने का है डिपार्चर में। तो ये सब है, मगर वो तो चलता है ऐसी कंट्री में, वो हमको माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये लोग रहते हैं उसी तरह से कंट्री भी चलेगा, मगर अच्छा कंट्री है रहने के लिए, ट्रॉपिकल वेदर बहुत ही बढ़िया है, खुशनुमा वेदर ऑल ओवर द ईयर। सो ऐसा है, तो इस्तांबुल पहुँचे हैं अभी, और इस्तांबुल से अभी हमको जाने का है मैनचेस्टर। तो मीरा अभी आई है वो तो देख के कि क्या है, मीरा क्या है? कौन सी फ्लाइट कब जाने वाली है हमारी, देखी? या दिस इज टर्किश एयरलाइंस बट यू नो वी गोइंग टू मैनचेस्टर नाउ, सो व्हाट टाइम इज फ्लाइट इज any idea? 12:35. Yeah? Yeah. So anyway, we're not that much tired because we had a good sleep. थोड़ी sleep हमने कर ली थी, सो गए थे, तो इतने tired नहीं हुए हैं। ये देखो सभी transfer के लिए इधर security check हो रहा है, तभी जो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र और डोमेस्टिक ट्रांसफ़र है उसका सिक्योरिटी चेक इधर हो रहा है, और देखिए कितनी क्यू है। आगे जाऊँ, वो आगे जा रहे हैं, तो देखो ये सब अपना सामान निकाल के उसको सब कुछ इधर चेक करते हैं, स्कैन करते हैं। ये देखो जादू, हेलो फ्रेंड्स, तो आखिरकार हम फिर से प्लेन में बैठ गए हैं, खा भी के यस थोड़ा खाया इस्तांबुल एयरपोर्ट में, और फिर सिक्योरिटी पास किया, और बहुत सिक्योरिटी बढ़ गई है अभी आजकल, सब कुछ चेक करते हैं एवरीथिंग, तो वो सब कुछ हो गया है, अभी बस सभी लोग धीरे धीरे प्लेन में आ रहे हैं, अपनी अपनी सीट ग्रहण कर रहे हैं। तो बस अभी सभी आ जाए तो फिर प्लेन इधर से फ्लाई होगा, मैनचेस्टर के लिए रवाना होगा, तो देखते रहिए आगे आगे, जब हम मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर उतरेंगे आपको बताएंगे कि क्या है, कैसा है उधर माहौल, तो देखते रहिए। Thank you.
जा रही है फुल स्टेडियम। हाँ तो फ्रेंड्स, हम मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं। हमने बैग भी ले लिया है, सभी बैग ले ली है। माँ बेटी दोनों टॉयलेट में गए हैं अभी वॉशरूम में। जो ये सम्मेलन हुआ है उसके लिए करणमल भाई के श्वाला और उसके पूरे फैमिली एंड वॉलंटियर्स सभी ने जो पार्टिसिपेट किया और सब हमको इतना आदर सत्कार किया, उसके लिए हम तहे दिल से उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमारे इंटरनेशनल मेयर काउंसिल के प्रमुख श्री विमल जी भाई, उसका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसने बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ और बहुत ही एनर्जेटिक के साथ ये कार्यक्रम सभी आयोजित किया। और हमने सबने इतना मज़ा किया कि उसकी बात ही मत पूछो। तो ऐसा भी आप आगे भी आपका कार्यक्रम आप करते रहिए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। तो इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और मत भूलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो बाय बाय।